शक्ल हैं उनके साथ जो गुजरी है। सबसे पहले मैं पैंथर्स पार्टी की तरफ से और जो भी हमारे दोस्त हैं यहाँ पूरे हिंदुस्तान में और कहीं बाहर भी उनके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हम आज श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। वी लाइक टू एक्सप्रेस अवर सॉरो एंड ग्रीफ उन लोगों के लिए जो शहीद हुए हैं पास में, चाहे वो फौज के थे या सीआरपीएफ के थे और चाहे सिविलियन थे चाहे पुलिस के थे, जो भी यहाँ जम्मू कश्मीर में जो शहीद हुए हैं उनके लिए हम श्रद्धांजलि पेश करते हैं। और हम यही कहना चाहते हैं कि उनके लिए पैंथर्स पार्टी की पूरी हमदर्दी है। बेशक हम पार्लियामेंट के अंदर नहीं हैं लेकिन हमारी आवाज़ वहाँ भी ज़िंदा है, हम आवाज़ रेज करेंगे और जो भी हम साथ दे सकें पैंथर्स पार्टी कंट्रीब्यूट कर सकती है। हम अपने लाहौर से लेकर कोई भी किसी किस्म की मदद सहायता सपोर्ट देने को तैयार रहेंगे। मैं इसके साथ आज ये कहना चाहता हूँ कि जो आज सिचुएशन पैदा हुई है, आज जो सुना होगा हमने भी सुना कि रात को जो अर्ली मॉर्निंग फायरिंग होती है जिसमें हमारे जवानों ने आर्मी ने बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस की है और हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने दोनों ने माना है कि हमारे सेना हमारे जहाज हैं वो क्रॉस करके पीओके तक या उन जगहों पर गए थे यहाँ उग्रवादियों का ट्रेनिंग कैंप है, ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम उन्हें मुबारक देते हैं और मैं और पूरा हमारी तरफ से उन जवानों को पूरी शाबाश कांग्रेचुलेशन एंड गॉड ब्लेस देम। हम युद्ध के साथ हमें नहीं है, हम किसी किस्म की जंग नहीं चाहते हैं लेकिन रक्षा के लिए जो हमारे सैनिक हमारे साथी हमारे दोस्त हमारे स्पाई पुलिस कोई भी या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो भी देश का झंडा उठा के खड़ी होती है तो हम उनके साथ। मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये भी आपसे कहना चाहूँगा कि देश के अंदर दो बहुत बड़े नए ट्रेनिंग कैंप से भी ज़्यादा हमारे खतरनाक कैंप है। एक कैंप है वो यहाँ 35A का और दूसरा कैंप है आर्टिकल 370 का। जब तक ये दो कैंप मौजूद हैं तब तक पीओके में जाने से या पाकिस्तान की सरहदों में यहाँ मिलिटेंट को तरबियत दी जा रही है उनसे जाने का इतना फ़ायदा नहीं होगा। इन दो एक 35A और 370 को मेन करना होगा और 335 को तब खत्म करना होगा। यू नो 35A को 1954 में एक ऑर्डिनेंस लगाया गया था, प्रेसिडेंट को पावर है सिर्फ 6 महीने के ऑर्डिनेंस 6 महीने ला सकते हैं। जम्मू कश्मीर में या कहीं भी कोई पार्लियामेंट को तो अधिकार है ही नहीं, सिर्फ प्रेसिडेंट को अधिकार है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे उनकी दरख्वास्त पर एक ऑर्डिनेंस लाया था जिसका नाम है 35A। 35A के जब तक ये ऑर्डिनेंस मौजूद है जम्मू कश्मीर में किसी तरह का जो फंडामेंटल राइट है उसे रोका जा सकता है। यानी जो मानव अधिकार हैं आर्टिकल 35 से लेकर आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक उनको रोका जा सकता है। इसलिए क्या किया, राष्ट्रपति ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया, राजेंद्र प्रसाद जी थे, उसका हुआ 35A था। उसके तहत जम्मू कश्मीर की सरकार को पावर थी कि जम्मू कश्मीर में
किसी तरह के भी फंडामेंटल को रोक लगा सकती है जम्मू कश्मीर की सरकार। जम्मू कश्मीर में एक डिप्टी कमिश्नर को पावर है कि आपको जेल में मुझे जेल में बंद कर सकता है और आप जेल में रहे। इस पर